वापस लो वापस तुमको लेना होगा। इस बढ़ोतरी नहीं सहेंगे। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इंकलाब जिंदाबाद। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर आज विगत 708 दिनों से आंदोलन चल रहा है। छात्र संघ बहाली समेत विभिन्न मुद्दे हैं छात्रों की समस्याओं को लेकर। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वर्तमान के कुलपति जो हैं, कहीं न कहीं ये छात्रों पर कुठाराघात कर रही हैं। अभी हाल ही में इनका एक तुगलकी फरमान जारी होता है कि छात्रावास से लेकर पठन पाठन से लेकर सभी शुल्क को 4 गुना बढ़ोतरी की जाएगी, जिसको लेकर छात्रों में व्यापक आक्रोश है। लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और छात्रों की मांग है कि फीस वृद्धि ना की जाए, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन का हर एक प्रशासनिक अधिकारी अपने सुख सुविधा के लिए सारे कार्य कर रहा है विश्वविद्यालय फंड से, लेकिन सारे विश्वविद्यालय में जो भी गतिविधियाँ हैं उसका बोझ छात्रों पर लादे जा रहे हैं। तो छात्रों के मांगे हैं कि फीस वृद्धि ना हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ बहाल हो और छात्रों की जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तो लगातार आपका आज लगभग 708 दिनों से कंटिन्यू आंदोलन चला है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक भी प्रशासनिक अधिकारी वार्ता करने नहीं आया, और अभी तक मैं गांधीवादी तरीके से यह आंदोलन चल रहा है। आने वाले समय में यह एक उग्र आंदोलन के लिए प्रयास किया जाएगा, और जब तक छात्र संघ नहीं बहाल होगा तब तक यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा।